हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। यह हमारा एक्सेल में मैक्रो रिलेटेड एक और वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल टैब सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि हम लोग एक्चुअल में आज के क्लास में क्या करने वाले हैं। तो देखिए, इधर मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसके ऊपर यहाँ पे दो बटन जैसा असाइन किया हुआ है, टैब वन एंड टैब टू। ठीक है, अब जैसे ये टैब टू है तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे टैब टू मतलब सेकंड टैब में लेके जाएगा, जहाँ पे मैंने बस एक बेसिक सा स्टाइलिंग डिजाइन करके रखा है ताकि पता चले कि ये टैब टू है। और टैब वन फिर से ग्रीन कलर मतलब उसका जो बेसिक कलर है वो बेसिक कलर में कलर हो जाएगा। फिर हम लोग टैब वन पे क्लिक करेंगे तो वो वापस टैब वन पे आ जाएगा एंड टैब टू अनकलर हो जाएगा, मतलब हमें देख के पता चलेगा कि करेंटली हम लोग कौन से टैब के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो चीज़ है, यही चीज़ आज हम लोग एक्सेल में तैयार करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैक्रो से, एक भी लाइन हम लोग कोडिंग में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टैब का चीज़ है, ये चीज़ को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर का यूआई डेवलप करना चाहते हैं, मतलब आप एक्सेल में ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जिसके अंदर आपको बहुत सारे टैब रिलेटेड काम है, या फिर आप बहुत सारे काम के लिए अलग अलग शीट नहीं बनाना चाहते हो, उस टाइम पे इस टैब ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्सेल यूआई को और अच्छे से लुक देने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ, तो इस शीट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो मैं पहले यहाँ से अपना जो ऑप्शन है उसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ऐसा दो शेप चाहिए जिसके ऊपर ये काम होगा, राइट। तो हम लोग शेप ले लेते हैं, इंसर्ट में जाके शेप्स के अंदर से मैंने इस काम के लिए जो शेप का यूज़ किया है वो है ये वाला, मतलब एक साइड में इसका स्क्वायर रहेगा, दूसरा साइड नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ऐसा एक शेप ले लेते हैं। मैं पहले थोड़ा सा बेसिक स्टाइलिंग कर लेता ताकि सारा सेल देखने में सेम टू सेम लगे, राइट। तो अभी मैं इस शेप को अपने सेल के हिसाब से सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक शेप हो गया एंड दूसरा शेप मैं इसी का कॉपी ले लेता हूँ, बट शिफ्ट प्रेस करके, मतलब कंट्रोल प्रेस करके कॉपी एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको साइड में लेके आ गया ताकि ये एकदम इक्वल लाइन पे रहे। हालांकि हम लोग बाद में भी इसको इक्वल लाइन कर सकते थे, बट एक साथ में ही कर लेंगे हम लोग। तो अभी दोनों शेप में पहले बेसिक सा स्टाइलिंग कर देते हैं कि आउटलाइन वगैरह इसका जो भी चीज़ है उसको हटा देते हैं। तो आउटलाइन हटाने के लिए दोनों शेप को साथ में सिलेक्ट करके सेव फॉर्मेट, सेव आउटलाइन, यहाँ पे नो आउटलाइन, तो इसका जो बॉर्डर आउटलाइन है, जो बॉर्डर कलर है वो हट जाएगा। एंड सेफ फील मैं इसको फिलहाल के लिए बेसिक कलर में करके रख देता हूँ, जो हमारा कलर है, राइट। इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में खिसका देता हूँ। ओके, तो ये अभी हमारा जो इसका जो टैब्स है वो देखने लायक हो गया है। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा है तो कोई बात नहीं, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, वो आप जैसे आपके सॉफ्टवेयर के लिए जैसा ज़रूरत है आप वैसे मैनेज कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि इसका जो बॉर्डर एरिया है वो बॉर्डर एरिया ना दिखे। ठीक है, देन हम लोग इसके एक के ऊपर हम लोग लिख देते हैं टैब वन एंड दूसरे के ऊपर हम लोग लिख देंगे टैब टू। तो मैं दोनों का ही टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दिया, मिडिल अलाइन कर दिया। अभी मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ टैब वन एंड इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ टैब टू, राइट। तो अभी दोनों का ही कलर तो बेसिकली मुझे ब्लैक कर देना है, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देता हूँ एंड बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देख के लगे ये टैब है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से पूरा शीट को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर भी एक अप्लाई कर देता हूँ, जो हमारा उसके अंदर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम ये बचता है कि आपको पहले टैब के लिए एक एरिया ले लेना है। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है कि आप एक एरिया ले लेंगे जो एक टैब के लिए होगा, राइट। जैसे इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक एरिया दिया हुआ, जो एरिया इस टैब के लिए मैंने लिया है, तो वैसा ही सेम एक एरिया आपको ले लेना है एक सिंगल टैब के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने 4 नंबर के रो से लेके 16 नंबर के रो तक इतने को मैंने ले लिया टैब वन का एरिया, तो इतने एरिया को मैं एज ए टैब वन यूज़ करने के लिए इसके ऊपर आउटसाइड का बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि ये देख के मुझे पता चले कि ये टैब वन का एरिया है। और जो टैब टू का एरिया है वो थोड़ा सा नीचे बनाएंगे ताकि जब हम लोग टैब टू में क्लिक करेंगे तो 4 से लेके ये 16 इतने तक रो हाइड हो जाएगा और वो वाला रो मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर जब वापस हम लोग टैब वन पे क्लिक करेंगे तब वो वाला जो रो हाइड हो चुका है 4 से लेके 16 तक, वो रो फिर से अनहाइड हो जाएगा। कंसेप्ट सिंपली इतना ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जाता है।
तो इतना एरिया मैंने ले लिया, जैसे 4 से लेके, तो मैं इसी सेल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फॉर्मेटिंग वगैरह और करने का ज़रूरत ना पड़े। फिर मैं 16 से लेके 24 तक छोड़ देता हूँ ताकि वो स्क्रीन के नीचे चला जाए, एंड यहाँ पे जाके फिर से पेस्ट कर देता हूँ टैब 2 के लिए। राइट, तो ये हो गया हमारा टैब 2 का एरिया और ये हो गया हमारे लिए टैब 1 का एरिया। अब थोड़ा सा डिज़ाइन करके रख देते हैं ताकि वो देख के बिल्कुल वैसा ही लगे। अब आप इस एरिया में अपना कुछ भी सॉफ्टवेयर का, मतलब आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं या फिर जो भी काम करवाना चाहते हैं उसका डेटा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई डेटाबेस एंट्री का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो यहाँ पे आप डेटाबेस का एंट्री करने के लिए नेम, फर्स्ट नेम, उसका नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल बस बेसिक दिखाने के लिए मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस इसका एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि वो देख के मुझे लगे कि हाँ ये टैब 1 है। तो मैं सिंपली लिख के रख देता हूँ टैब 1। ठीक है, अब इसको भी मैं मिडिल अलाइनमेंट कर देता हूँ एंड इसका जो फॉन्ट्स है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये मैंने 72 पे कर दिया बड़ा, एंड इसी को सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ बस टैब 2। ठीक है, अभी असली काम आता है जो है हमारे मैक्रो का। तो ये तो मेरा फर्स्ट टैब है, तो ये टैब तो हमेशा फर्स्ट में चालू ही रहेगा। तो इसका जो कलर है बैकग्राउंड का उसको मैं वाइट कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए कलर जब चूज़ करेंगे तब थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करना ताकि आपका जो काम है पूरा सेम कलर में लगे, क्योंकि आप यहाँ पे चाहे तो ग्रेडियंट कलर दे सकते हो, बट ग्रेडियंट कलर देंगे तो सारे टैब में भी सेम सेम कलर देना पड़ेगा। तो आपको याद रखना होगा कि ग्रेडियंट कलर में कौन सा कलर कितने एरिया के लिए आपने स्लाइडर यूज़ किए थे, वो सारा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा एक सॉलिड कलर यूज़ कर रहा हूँ जो देख के मुझे ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ ये टैब ओपन है और ये टैब क्लोज है। ठीक है, साथ में मेरा फॉन्ट कलर भी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी पहले एक मैक्रो चालू करते हैं जो हम लोग काम किसके लिए करेंगे, टैब 2। अब देखिए मैक्रो के अंदर काम करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, तो प्रोसेस पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में काम क्या करना है। तो जब हम लोग टैब 2 में क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक जो रो है वो रो मेरे लिए हाइड हो जाना चाहिए। राइट, एंड जो नीचे का ये एरिया है, मतलब बेसिकली रो यहाँ तक हाइड हो जाना चाहिए ताकि ये वाला मेरे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मतलब जो टैब 2 में क्लिक करने पे मेरा रो नंबर हो जाएगा 4 से लेके 25, मतलब 25 हो जाएगा मेरे लिए फर्स्ट रो, एंड जो टैब 1 है उसका फर्स्ट रो होगा 4। ठीक है, तो टैब 2 में जैसे क्लिक होगा 4 से लेके 24 तक हो जाएगा हाइट, कुछ इस तरीके से। अगर मैं सिंपली हाइट किया तो देखिए ये हो गया हाइट। अब जब दोबारा टैब 1 पे क्लिक होगा तब सिंपली वो जो एरिया है, जो रो का एरिया है, वो हो जाएगा अनहाइड, तो जिससे मेरे पास फिर से टैब 1 वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम करेंगे बस मैक्रो के अंदर ताकि हमें बार बार ये प्रोसेस करने का ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट मैक्रो ऑन करते हैं। इसके अंदर क्योंकि मेरे इस सीट पे ऑलरेडी मैक्रो पहले का लगा हुआ है, तो मैं एक ऐसा नाम देता हूँ ताकि वो देख के पता चले कि न्यू टैब 2। राइट, न्यू टैब 2 ऐसा नाम दिया मैंने। ओके, अब जब क्लिक होगा तो 4 से लेके डायरेक्टली 24 तक हो जाएगा मेरे लिए हाइट, एंड फर्स्ट सेल मतलब 25 का सेल सिलेक्ट। ठीक है, इतना हो गया मेरे लिए फर्स्ट मैक्रो का, मतलब टैब 2 का काम। अब टैब 2 के इस काम के साथ साथ मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, तो सिंपली इस सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव फॉर्मेट में जाएंगे और इसका जो फिल कलर है उसको कर देंगे वाइट, और जो पीछे का जो सेव है, मतलब टैब 1 का सेव, उसके सेव को कलर को कर देंगे ग्रीन, मतलब जो इसका कलर था। ठीक है, करके फर्स्ट सेल को सिलेक्ट। तो ये मेरे लिए हो गया फर्स्ट काम, अब मैं कर दूंगा मैक्रो ऑफ। फिर दूसरा मैक्रो किसके लिए, अभी वापस भी तो आना है टैब 1 में, तो उसके लिए फिर से मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, न्यू टैब 1। देन हम लोग क्या करेंगे, अभी 3 से लेके 25 तक यहीं पे सिलेक्ट करने पे हो जाएगा, या फिर आप अगर सेफ्टी चाहते हैं कि कभी गड़बड़ी ना हो तब फुल सीट को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो फुल सीट ही सिलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर हाइड अनहाइड ऑप्शन होता है, अनहाइड रोज। तो मेरे पास टैब 1 वापस आ गया, मैं इस सेल में सिलेक्ट किया। अब जब टैब 1 एक्टिवेट होगा तब टैब 1 का जो शेप है वो हो जाएगा वाइट कलर में, एंड टैब 2 का जो शेप है वो हो जाएगा मेरे लिए ग्रीन कलर में। शायद मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये प्रॉपर वाइट नहीं है, हाँ ये वाला है प्रॉपर वाइट। राइट, तो ये हो गया मेरे लिए टैब 2 का।
ठीक है। तो इतना काम होने के बाद मैं कर दूंगा मैक्रो को ऑफ, ठीक है। तो देखिए मेरा हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने सक्सेसफुली दो टैब बना लिए। बस हमें क्या करना है, इस शेप के ऊपर अपना रिस्पेक्टिव मैक्रो को असाइन कर देना है। तो राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, न्यू मैक्रो वन, न्यू टैब वन, एंड इसके लिए जाएगा न्यू टैब टू। ओके ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं। टैब टू, टैब टू वाइट कलर, टैब वन ग्रीन कलर, साथ में टैब टू, टैब वन वाइट कलर, टैब टू ग्रीन कलर, साथ में टैब वन। तो हमने सक्सेसफुली एक हॉरिजॉन्टल टैब रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूआई डेवलप कर लिए अपने एक्सेल के अंदर। अगर आप ध्यान देंगे, मेरा ये जो चीज़ है, मैंने बेसिकली ये रो का एंड कॉलम का हेडिंग्स जो है उसको हाइड करके रखा है। बट अगर आप ध्यान देंगे कि हमारा ये जो चीज़ है इसके अंदर ये रो नंबर को ध्यान दीजिए, जब टैब टू है रो नंबर है 25, जब टैब वन है तब रो नंबर है 4। वही काम मेरे इधर भी हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से ऑप्शन को एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ कि ऑप्शन के अंदर एडवांस, उसके अंदर हम लोग जाएंगे डिस्प्ले, जिसके अंदर रो एंड हाइट हेडर्स। तो देखिए यहाँ पे है 4, जैसे ही टैप 2 हुआ वो देखिए हो गया 25। मैंने 25 तक लिया है आपको बस समझाने के लिए। अभी आपके लिए जितना ज़रूरत है आप उतने तक लेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं वर्टिकल टैब्स के लिए। मतलब अगर मेरा टैब यहाँ पे ना हो के कुछ इस जगह पे हो, तो मुझे ये जगह पे टैब चाहिए, तब आप सिंपली रो को हाइड ना करके आप कॉलम को हाइड करेंगे तो ही काम बन जाएगा। तो इससे हम लोग एक सक्सेसफुली टैब लाइक जो यूआई सिस्टम है वो यूआई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर का जो भी काम है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। रिमेंबर ऑल द डाउनलोड लिंक्स फॉर सैंपल फाइल एंड प्रैक्टिस फाइल इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.